प्रथम तहलका न्यूज। महिला विरोधी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला पलवल के एक गांव का है, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पलवल के एक गांव में एक ससुर ने अपनी पुत्र वधु को घर में अकेला पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है। जांच अधिकारी एएसआई परवीन ने बताया कि पीड़िता की शादी 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही पीड़िता का ससुर उस पर गलत नजर रखता था। 19 मई को जब पीड़िता अपने कमरे में अकेली थी, तभी आरोपी ससुर महिला के कमरे में घुसा और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। महिला ने जब आप बीती अपनी सास व जेठ को बताई तो उन्होंने आरोपी ससुर को कुछ कहने की बजाय उल्टा पीड़िता के साथ मारपीट की और मामले को दबाने की बात कही। पीड़िता के विरोध करने पर ससुराल वालों ने उसे घर में ही बंधक बनाए रखा ताकि वो अपना मुंह ना खोल सके। पीड़िता के ये स्वीकार करने पर कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, तब जाकर उन्होंने महिला को बंधन से मुक्त किया। मौका मिलता ही महिला ने अपने साथ हुई घिनौनी वारदात की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सर, कल एक महिला अपनी दरखास्त लेके महिला थाना पलवल आई थी, जिसके दरखास्त के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसने आरोप लगाया था अपने ससुर के ऊपर कि मेरे सास ससुर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, और सास और जो जेठ है उसके ऊपर भी उसने आरोप लगाया कि ये लोग इस घटना बारे अगर मैं इनको बताती हूँ तो ये लोग मेरे साथ में मारपीट करते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? सर, इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया, 42 सर्विस करवा दिए गए हैं, और सर आरोपी की गिरफ्तारी के बारे उसे घर में दबिश दी जा रही है। सर, प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।